और साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। जैसा कि आप जानते हैं कि 17-18 अगस्त में यूपी पीजीटी की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। कितनी कट ऑफ रह सकती है इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके सही हैं कि ताकि आपके इंटरव्यू कॉल आ सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको DSSB TGT की प्रैक्टिस सेट आपको मिल सके। इसके बाद आज कल से हम स्टार्ट करेंगे DSSB और TGT प्रैक्टिस सेट, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको प्रैक्टिस सेट मिल सके। तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके यूपी PGT 2021 में सही हैं। कैटेगरी वाइज देखेंगे कितने क्वेश्चन पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है, एक अनुमानित संभावित कट ऑफ होगी। सबसे पहले हम वैकेंसी डिटेल देख लेते हैं। हिंदी की वैकेंसी जो है बालक वर्ग में 213 जनरल के लिए, 90 OBC, कुल मिलाकर के 353 वैकेंसी है। हम यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि किस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं। मैथ के लिए 65 वैकेंसी बालक वर्ग में 22-11, कुल 98 वैकेंसी। होम साइंस में आप देख सकते हैं एक एक केवल 2 वैकेंसी हैं, बालिका वर्ग में 11 वैकेंसी हैं। वहीं आगे हम इस तरह से हम इसको देखते रहेंगे कितनी कितनी वहाँ वैकेंसी हैं, और फिर एक एक करके सब्जेक्ट वाइज हम यहाँ कट ऑफ देखेंगे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पे आपको सेफ रखा जा सकता है। इतने आपके नंबर हैं तो आप अपने आप को यहाँ पर सेफ समझ सकते हैं। जैसे कि हिस्ट्री है, उसका एग्ज़ाम कल हो चुका, तो कुल मिलाकर दोनों दिन में ये एग्ज़ाम हुआ, और देखते हैं कितनी कट ऑफ रह सकती है प्रत्येक सब्जेक्ट की। चलिए सीधे कट ऑफ पर चलते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप पेपर, अगर हम पेपर की बात करें तो हर एक पेपर के अंदर कुछ क्वेश्चन डिफ़िकल्ट थे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट थे, कुछ क्वेश्चन इजी थे। तो कुल मिलाकर के पेपर का जो लेवल रहा वो मॉडरेट टू हार्ड रहा। इजी क्वेश्चन बहुत कम रहे, मॉडरेट क्वेश्चन यहाँ ज़्यादा रहे। तो वहीं ये सभी के ये वैकेंसी डिटेल है, कितनी वैकेंसी किस वर्ग में थी वो आप यहाँ देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं यूपी PGT कट ऑफ 2021 के बारे में कि कितनी कट ऑफ जो है वो रह सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैथमेटिक्स कट ऑफ के बारे में। अब यहाँ देखते हैं मैथ के बारे में, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, अगर आपके 85 से लेकर 90 के बीच में कुछ अगर आपके क्वेश्चन है सही हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, आपके लिए इंटरव्यू कॉल यहाँ आ सकती है। वहीं OBC और जनरल में ज़्यादा अंतर पाया नहीं जाता है, तो OBC के लिए 85 से लेकर के 88 और SC के लिए 75 से 78। ST में कोई वैकेंसी थी नहीं, अगर एक वैकेंसी होगी तो उसका कट ऑफ नंबर लगाना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जनरली इतने अगर यहाँ पर अगर नंबर कम होता है तो -3 कम होंगे और +2 बढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा आप कट ऑफ नहीं जा सकते। अगर इसके आसपास अगर -3 और +2 कर सकते हैं, इसी के आसपास आपका ये कट ऑफ रहने वाला है अगर आप मैथमेटिक्स के छात्र हैं। तो नेक्स्ट कट ऑफ देखते फीमेल के लिए, यहाँ पे 80 प्लस कट ऑफ रह सकती है या 80 से थोड़ी सी या 3 नंबर या कम रह सकती है। वहीं हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स की कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। जनरल के लिए 80 से 85, OBC के लिए 80 से 82 और SC के लिए 75 प्लस। भाई महिलाओं के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर 80 प्लस, यहाँ पर भी वही है, -5 गिर सकती है और +2 ही बढ़ेगी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती है। अगर आप इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके इतने सही हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, आपके लिए इंटरव्यू कॉल 100% आने की पॉसिबिलिटी है। वही हम बात करेंगे इंग्लिश की कट ऑफ के बारे में। पेपर थोड़ा सा हार्ड था, कुछ क्वेश्चन हार्ड थे, तो वही हम बात करते हैं कि इंग्लिश कट ऑफ के बारे में। तो जनरल के लिए 95 से लेकर के 100 के बीच में रहने की संभावना है। OBC के लिए 95 से 98 और SC के लिए 80 प्लस, अगर आपके मार्क्स इतने हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ समझ सकते हैं। और महिला के लिए, फीमेल के लिए +80, यहाँ पर भी -5 और +5 का अंतर पाया जाएगा। अगर बढ़ेगी तो घटेगी तो -5 घट सकती है और +2 या +5 या बढ़ सकती है, इससे ज़्यादा बढ़ने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप यहाँ पर हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ समझ सकते हैं, बिल्कुल कैटेगरी वाइज है, ST वैकेंसी थी नहीं। वहीं अगर हम बात करते हैं आर्ट्स के टॉप के बारे में, आर्ट्स में भी अगर आपके नंबर 90 से 92 के बीच में है तो यहाँ पर भी आप अपने आप को बिल्कुल सेफ समझ सकते हैं इंटरव्यू कॉल के लिए। OBC वर्ग के लिए 88 से 90, कभी कभी क्या होता है कि OBC वर्ग के कट ऑफ ज़्यादा ले जाती है जनरल से, जहाँ वैकेंसी कम होती है। वहीं SC के लिए 75 प्लस और फीमेल के लिए 78 प्लस, इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने की संभावना नहीं है।
अगर आपके नंबर इतने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो आप इंटरव्यू कॉल के लिए बिल्कुल सेफ है यहाँ पर। वहीं हम बात करते हैं सिविक्स की, बात कर लेते हैं। तो सिविक्स का जो पेपर था इसमें लगभग 50 क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन थे, 50 के आसपास 50 क्वेश्चन जो इजी टू मॉडरेट थे। तो यहाँ कुछ लोगों का मानना है कि कट ऑफ ये 95 भी रह सकती है, 95 से लेकर 100 के बीच में। फिर भी हम इसको अगर 100 से 105 मान लेते हैं तब भी बिल्कुल सेफ हैं, लेकिन माइनस हमें माइनस 5 कर लेंगे और प्लस 2 कर लेंगे। तो 95 अगर कट ऑफ रहती है, बहुत सारे लोगों का मानना था कि 95 तक ही कट ऑफ जाएगी। तो आप 95 से लेकर के 105 के बीच में अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ समझ सकते हैं। यही ओबीसी के लिए है 92 से 95 के बीच में, क्योंकि यहाँ पर भी हम माइनस 5 नंबर कर देंगे। एससी के लिए प्लस 90 और फीमेल के लिए प्लस 90, यानी कि यहाँ पर भी हम अगर माइनस 5 नंबर कर दें तो 85 प्लस, या एससी के लिए भी 85 प्लस। अगर आपके क्वेश्चन इतने सही हैं 85 के आसपास, तो आप अपने आप को यहाँ बिल्कुल सेफ समझ सकते हैं, आपके लिए इंटरव्यू कॉल आएगी। जिस तरह का पेपर का लेवल था तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ समझें। वहीं बात करते हैं एजुकेशन के लिए। एजुकेशन में जनरल के लिए 80 के आसपास कट ऑफ रहने की संभावना है, ओबीसी के लिए 78 और एससी के लिए 70। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके कितने सही एजुकेशन सब्जेक्ट से, तो आप भी अपने आप को बिल्कुल सेफ समझ सकते हैं, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है, आपके लिए भी इंटरव्यू कॉल आ सकती है। और वहीं फीमेल की बात करते हैं तो यहाँ पर भी फीमेल के लिए भी वही 78 का रेशियो ही रहेगा, 78 प्लस कट ऑफ रहने की संभावना है, उनके लिए भी ये बिल्कुल सेफ है अगर इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके सही बढ़ रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सोशियोलॉजी की कट ऑफ के बारे में। वैकेंसी बहुत कम थी तो जनरल के लिए 90-95 के बीच में रहने की संभावना है, इसमें भी -3 या +2 होने की संभावना है। -3 कम हो सकते हैं, +2 होने के बहुत रेयर कम चांस हैं। अगर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 90-95 के बीच में है तो जनरल के लिए आप अपने आप को बिल्कुल सेफ समझ सकते हैं, इससे ज़्यादा कट ऑफ जा ही नहीं सकती है। ओबीसी के लिए 90-92 के बीच में इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। एससी के लिए यहाँ कट ऑफ और भी कम हो सकते हैं, 80 प्लस नहीं, यहाँ पर अगर हम कहें तो 75 प्लस हम कह सकते हैं। अगर 75 भी क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आप भी अपने आप को बिल्कुल सेफ समझ सकते हैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से। वहीं हम बात कर संस्कृत की बात करते हैं। संस्कृत का जो पेपर का जो लेवल था बहुत ठीक ठाक था, वैकेंसी भी ठीक थी और कट ऑफ जो है थोड़ी सी हाई रह सकती है। तो यहाँ जनरल के लिए अगर हम बात करें तो जनरल के लिए 100 से 105 के बीच में क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ समझ सकते हैं, आपके लिए इंटरव्यू कॉल आ सकती है। ओबीसी के लिए 100 से 102 और एससी के लिए 85 प्लस। एसटी की वैकेंसी यहाँ पर थी नहीं। महिलाओं के लिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 85 प्लस भी महिलाओं के लिए बिल्कुल परफेक्ट कट ऑफ होगी। अगर आपके अंक कितने के आसपास हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ समझ, संस्कृत में ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। अगर बढ़ती है तो प्लस केवल 2 का फर्क पड़ेगा, इससे ज़्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वहीं अगर हम कॉमर्स की बात करते हैं, कॉमर्स कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, तो कॉमर्स का जो कट ऑफ है वो यहाँ 80 लिखना था, 80 हो गया है। तो यहाँ 80 से लेकर के 85, 80 से लेकर के 80-85 तक, ओबीसी के लिए 80 से 82 और एससी के लिए 75, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। इससे बिल्कुल बल्कि ये और भी कम हो सकती है, -5 नंबर और कम हो सकते हैं, इससे बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी, कट ऑफ इसी के आसपास रहेगी। अगर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने कॉमर्स सब्जेक्ट से हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ समझ सकते हैं, किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी, आपके लिए इंटरव्यू कॉल या आ सकता है। वहीं अगर हम बात करते हैं बॉटनी की, पेपर इनका वैसे भी टफ आता है, पेपर क्वेश्चन बहुत सारे टफ थे। तो यहाँ जनरल के लिए 80 से 85 के बीच में, ओबीसी के लिए 78 से 80 और एससी के लिए 72। यहाँ पर आप, मैं आपको बता दूँ, यहाँ नंबर बढ़ेंगे नहीं है, नंबर माइनस ही होंगे, लगभग -8 नंबर आप और क्वेश्चन आप क्या कम कर दीजिए यहाँ पर। तो मैं कहूँ कि यहाँ पर एससी के लिए यहाँ पर 65 प्लस और ओबीसी के लिए यहाँ पर 70 प्लस, जनरल के लिए 75 प्लस। अगर आपके इतने नंबर भी, अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ रहे हैं तब भी आप अपने आप को सेफ समझे। यहाँ कम से कम कट ऑफ जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन आठ बढ़े हुए हैं, +8 कर रखे हैं आपको, माइनस अगर आपके इसमें से 8 क्वेश्चन निकाल देंगे तब भी आप अपने आप को बिल्कुल सेफ समझ सकते हैं बॉटनी सब साइंस सब्जेक्ट से। एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर में अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आप अपने आप को अगर 90 से लेकर के
नेट टू के बीच में क्वेश्चन, तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ समझ सकते हैं। ओबीसी के लिए 85 से 88 के बीच में और एससी के लिए 70+ अगर आपके क्वेश्चन है तो आप यहाँ पर अपने आप को बिल्कुल सेफ समझ सकते हैं, आपके लिए भी इंटरव्यू कॉल संभव बिल्कुल है। वहीं फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं तो यहाँ जनरल के लिए 80+, ओबीसी के लिए भी 80+, क्योंकि ओबीसी जनरल ज़्यादा अंतर पाया नहीं जाता है, एससी के लिए 70+ की रहने की संभावना है। अगर आपके नंबर इतने तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ समझ सकते हैं। केमिस्ट्री की हम बात कर लेते हैं तो केमिस्ट्री में भी कट ऑफ यहाँ ज़्यादा दिखाई दे रही है आपको, ये लगभग आप यहाँ पर 75 मान के चलिए, अगर 75 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ समझ सकते हैं, और इसके लिए भी 75 और यहाँ 65 क्वेश्चन एससी के लिए, तो आप बिल्कुल अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। जनरल के लिए 75, ओबीसी के लिए 75 और एससी के लिए 65, अगर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन सही हैं तो आप बिल्कुल यहाँ पर इंटरव्यू के लिए तैयार रहें। फीमेल के लिए 78 की हम बात नहीं करेंगे, या फीमेल के लिए हम 65+ की बात करेंगे। अगर 65 नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर फीमेल के हैं तो वो अपने आप को बिल्कुल यहाँ सेफ समझ सकते हैं। साइकोलॉजी में वैकेंसी कम थी तो जनरल के लिए 90 से 92 के बीच में, ओबीसी के लिए 90 से 91 के बीच में, एससी के लिए 75+ और वहीं फीमेल के लिए 80 के आसपास अगर आपके क्वेश्चन सही है तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ समझ सकते हैं। भाई ज्योग्राफी की बात करते, पेपर एकदम बढ़िया था, मॉडरेट था, कुछ क्वेश्चन केवल ज़्यादा हार्ड थे, बाकी 10 से 15 क्वेश्चन हार्ड थे, बाकी पेपर एकदम बढ़िया था। तो जनरल के लिए 100 से लेकर के 105, ओबीसी के लिए 100 से 102 और एससी के लिए वहाँ 90 से 92 के बीच में। वहीं हम हिंदी की बात करते तो हिंदी कट ऑफ थोड़ी सी हाई रह सकती है, यानी कि 105 से लेकर के 107 के बीच में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ही इजी थे और कुछ क्वेश्चन थोड़े से टफ थे, पेपर मॉडरेट बन जाता है। तो ओबीसी के लिए 102 से 105 या कोई कम होने की संभावना नहीं है, प्लस 2 नंबर हो सकते हैं, यहाँ पर बढ़ सकते हैं प्लस 2 नंबर, लेकिन कम होने के बहुत कम चांस रहेंगे। एससी के लिए 90 से 95 और एसटी के लिए 70+, यानी कि यहाँ वैकेंसी, 2 वैकेंसी के लिए ज़्यादा अनुमान लगा सकते हैं, 2 या 1 वैकेंसी के लिए। तो अगर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर यहाँ पर है इतने सही हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ समझ सकते हैं। हिस्ट्री कट ऑफ के लिए, हिस्ट्री पेपर बहुत अच्छा पेपर था हिस्ट्री का भी, तो यहाँ पर जनरली 100 से 105, ओबीसी के लिए 98 से 102 और एससी के लिए 80 से 85 के बीच में अगर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन सही हैं तो आप यहाँ अपने आप को बिल्कुल सेफ समझ सकते हैं। वही होम साइंस के लिए, होम साइंस जनरल यहाँ वैकेंसी बहुत कम होने की वजह से यहाँ पर जो कट ऑफ है वो 80+ जनरल के लिए, ओबीसी 78 और एससी के लिए 65, इतनी कट ऑफ रहने की यहाँ संभावना है। तो दोस्तों ये थी एक अनुमान संभावित कट ऑफ के, इसी के आसपास, इसी के इर्द गिर्द आपकी कट ऑफ रहेगी। अगर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने सही हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ समझ सकते हैं, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करें, दोस्तों में लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको DSSP TGT अगर आपने फॉर्म भरा है तो उसका प्रैक्टिस सेट आपको मिल सके। धन्यवाद।